हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स। और इसमें आज हम जानेंगे जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं, शॉर्ट फॉर्म को किस तरीके से हम समझते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बताऊंगा। जब सवाल आएंगे तो इन शॉर्ट फॉर्म में ही हमें इंगित करना पड़ता है। और चैप्टर नंबर 2, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, क्लास ट्वेल्थ का है ये। देखिएगा, यहाँ पे मैंने 4 ये पॉइंट्स लिखे हैं। इन 4 पॉइंट्स के मैं आपको जो शॉर्ट फॉर्म है उनकी फुल फॉर्म बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद। और जीडीपी की फुल फॉर्म होती है जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, यानी कुल घरेलू उत्पाद। ऐसे ही एनएनपी की फुल फॉर्म होती है एन फॉर नेट, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऐसे ही हम देखते हैं एनडीपी की फुल फॉर्म एन फॉर नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। इस प्रकार हम देखते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये इसकी फुल फॉर्म है। और स्टूडेंट्स, ये फुल फॉर्म जो है एग्जाम में नहीं आती है, परंतु ये जो है सवाल जब आप करेंगे तो उन सवालों में ये शॉर्ट फॉर्म दी हुई होती हैं और हमें इनके अर्थ आने चाहिए और समझ में आना चाहिए। यदि स्टूडेंट्स हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कॉमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।